मुकाबला भूख गुर्बत और भारतीय जाहिरियत से करना था, लेकिन आपने दो साल में सिर्फ ऑपोजिशन का मुकाबला किया। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इमरान खान कहते थे गुर्बत बढ़ जाए तो समझो मुल्क का वजीर आजम चोर है। जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देना थी उन्होंने मुखालिफिन से जेलें भर दी, इनसे मुल्क नहीं चलता तो NDMA को दे दें। दलाइल के बजाय ज़ात पर तनकीद करना काबिले मज़म्मत है, वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कौमी असम्बली में बयान, कहा ईवान में मुझ पर और मेरे कायद पर तनकीद की गई, हुकूमत ने निज़ाम की बेहतरी पर तवज्जो दी, आदाद व शुमार के बगैर बजट पर तनकीद मुज़हका खेज है। नू लीग की सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी नैब के रडार पर, सियालकोट कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस में नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को 26 जून को तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ पर असल जमीन से ज्यादा फरोख्त करने और इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने 1 दिन बाद निजी लैब से टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। मोहम्मद हफीज ने रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली का टेस्ट मनफी है।